चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। मेरी तरफ देख के बात करो, भावों की तरह नजरें चढ़ा के मेरी खुशियां मत सुनो प्लीज। कबूल है, मल्लो कहाँ है? ये तो तुम बताओगी कि वो कहाँ गई है। तुम तो कह रही थी कि वो अस्पताल से घर आ गई है, फिर कहाँ गई वो? हाँ, वो अस्पताल से घर आई थी और सलार को मेरे कमरे से लेकर गई, लेकिन सलार भी नहीं है, वो तुम्हारे कमरे में भी नहीं है। हाँ, नीलो नीचे जाकर भाई साहब को क्या जवाब दोगी? तुम्हारा बाप भी आया भाई। अब क्या नई प्लानिंग सोच रही हो तुम? जवाब दो प्लीज। डॉक्टर जल्दी कीजिए। प्लीज आप इनसे बाहर जाने के लिए। अच्छा, हम चुपचाप खड़े हो जाएंगे, प्लीज आप देखिए। देखें, अगर आप यहाँ खड़ी रहेंगी तो मैं पेशेंट को चेक नहीं कर सकूंगी। डॉक्टर प्लीज 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 चलो बोलिए। अमार सालार, उसे कुछ हो गया तो? उसे कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। आओ बैठो। खैर, आजकल तो वैसे भी जो हालात हैं उसमें तो समझ ही नहीं आता बंदे को क्या करे क्या ना करे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई आप, लेकिन ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, वक्त के साथ साथ बिल्कुल सारी चीजें सही हो जाएंगी। क्या हुआ, सलार को लेकर नहीं आई? वो सलार नहीं है। अरे तुमने तो कहा था कि वो रूम में। हाँ, मुझे वो मल्लो आई थी और आकर सलार को ले गई थी, लेकिन जाने वो दोनों कहाँ गए। मलिया कहाँ ले जा सकती है, उसकी तो अपनी तबीयत ठीक नहीं थी। फोन करके देखता हूँ। फोन नहीं उठा रही, कहीं सलार की तबीयत तो खराब नहीं हो गई? नहीं नहीं अबू जी, वो बिल्कुल ठीक था और सो रहा था। मलिया उसे आकर लेकर खुद गई थी तो बिल्कुल ठीक था। ओ गहीर भाई, आप अमार को फोन मिला लें, शायद उसके साथ गई हो। नहीं, कैसे, बता तो रही कि अमार को जाते हुए देखा है, तो अमार के साथ कैसे जा सकती है? अब भाई साहब, फोन करने में कोई हर्ज नहीं है, आप अमार को फोन करके तो देखें। जी भाभी। हाँ हेलो अम्मा। अबू वो सलार। क्या हुआ सलार को? अभी कुछ नहीं पता अबू, हम उसे इमरजेंसी में लेकर आए, डॉक्टर चेक कर रही है उसे। कौन से हॉस्पिटल में हो तुम? हम क्रीक सिटी हॉस्पिटल में। अच्छा चलो मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? मैं हॉस्पिटल से होके आता हूँ। मैं चलता हूँ ना कहीं। आइए आइए। नीलो, कितनी सफाई से तुम हम सबके सामने झूठ बोल रही थी। तुम उस वक्त कहाँ थी जब ये लोग सालार को हॉस्पिटल लेकर गए? मैं वही थी, उसे मुझे बताकर जाना चाहिए था, बेटा मेरा और खुद ये लो। जन्म देने से औलाद अपनी नहीं हो जाती है नीलो, तुम्हें इस बात का एहसास कहाँ है? इस वक्त तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। हाँ नहीं आता। तबीयत सालार की, अम्मा कैसे मेरा पोता? कुछ नहीं पता अबू,
इतना टाइम हो गया अभी तक आकर किसी ने कुछ नहीं बताया। वो आगे डॉक्टर साहब। हाँ। कैसा है सलार? He's okay now. आप परेशान मत होइए। मगर अगर आप लोगों ने जरा सी भी देर कर दी होती ना तो शायद हम भी उसके लिए कुछ ना कर पाते। लेकिन देखें आपको उसका बहुत ख्याल रखने की जरूरत है और इसीलिए आज रात यहाँ हम उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? आप एक एक करके जाके मिल सकते हैं। जाओ मैं। कैसी तबीयत है सालार की? अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है तबीयत, लेकिन आज रात अस्पताल में रुकना पड़ेगा उसे। अल्लाह उसको जिंदगी और सेहत अता करे। पूछा तुमने नीलो से क्यों झूठ बोल रही थी? पूछा था लेकिन उसने कुछ बताया नहीं मुझे। अच्छा है, गयूर भाई को भी पता चले ना इसकी लापरवाही का, कि किस तरह मुलाजमा को छुट्टी दी और खुद सोते हुए बच्चे को छोड़ के निकल गई। वो तो अच्छा अमल है और हम मार आ गए वक्त पे और उसको अस्पताल लेके दे। वरना तो इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसको मारने की। जी क्या जी? पता नहीं कब सुधरेगी ये। कुछ गुल उसने वहां खिलाया, कुछ यहां खिला रही है। क्या चाहती है मेरी समझ से बाला था। अब क्या होगा? क्या कहूंगी हब्बू को, अमार को? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब वो वापस आएंगे तो मैं क्या कहूंगी? खाला पैसे गिनी जा रही हैं, यहां मेरी शादी और जान दांव पे लगी है। अरे कुछ नहीं होता, तू तो इतनी तेज है कोई भी बहाना कर लेना। क्या कहूंगी कि बच्चे को यूं अकेला छोड़कर क्यों निकल गई? अरे बोल देना, बच्चे की दवा की बोतल गिर के टूट गई थी, परेशानी में ध्यान नहीं रहा और लेने चली गई, और वही बोतल सामने कर देना। अब कौन जान रहा है कचरे के डब्बे। अरे वाह खाला, आपने तो बड़े पते का बहाना बताया। देख ले, हर बुरे वक्त में तेरी यही खाला तेरे काम आती है। कौन सा मुफ्ते में करती है, जो कुछ करती है उसके पैसे बहाने बहाने से वसूल कर ही लेती है। हाँ हाँ, तो अपने हक का खाती हूँ बेटा। आजकल तो कोई मुफ्ते में बुखार भी नहीं देता ना। तो शुक्र कर, तेरे सारे काले करतूतों में तेरी यही खाला तेरे साथ खड़ी होती है। हाँ शुक्र है शुक्र है। अच्छा मैं जा रही हूँ, देर हो रही है मुझे। रहने दो बाबू, बस रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। एक दिन तुम्हारे हवाले किया ये हालत कर दी तुम बच्चे। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। रहने दो बाबू, बस रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। एक दिन तुम्हारे हवाले किया ये हालत कर दी तुम बच्चे। मतलब आज से सालार की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। जी मां। अबू जी प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप मेरा यकीन करें, मैं सिर्फ इसी के लिए बाहर गई थी। इसकी दवाई की बोतल गिरकर टूट गई थी, अगर इसको वक्त पे दवाई ना पिलाती तो बुखार और तेज हो जाता। अब मुझे अगर मुझे पता होता कि ये सब हो जाएगा तो खुदा की कसम मैं कभी भी नहीं जाती। मैं ममता के हाथों मजबूर हो गई थी। चलो ठीक है, मतलब तुम इसे ले जाओ ऊपर कमरे में। जी जी मामू। अबू जी प्लीज
प्लीज इस तरह नाराज तो मत हो मुझसे। मुझे मुझसे गलती हुई है, आप इस तरह मुझसे नाराज रहेंगे तो आपसे कह रही हूँ मेरा यकीन करें, मैं सिर्फ सरार की वजह से बाहर गई थी। ठीक है, बस कोशिश करना दोबारा से ऐसी लापरवाही ना। नहीं होगी अबू, आज से मैं उसका खुद ख्याल रखूंगी। सरार के मामले में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। नीलम, I'm sorry, शायद नींद में पिटेहानी में पता नहीं चला। It's okay. एक बात कहूँ? हम कब तक ऐसे अजनबियों की तरह रहेंगे? अजनबियों की तरह क्यों रहेंगे? दोस्त हैं। हाँ वो तो है, लेकिन मैं बीवी हूं तुम्हारी, अब तुम्हें याद हो कि ना हो? हाँ याद है। अगर याद है तो फिर ऐसा क्यों लगता है कि तुम भूल गए हो उस निकाह को? मैं महरम हूं तुम्हारे लिए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो अब्बू हमारा नाश्ते पे वेट कर रहे होंगे। तुम जाओ, मैं आती हूँ। ये लीजिए नाश्ता, मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। हेलो 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 भाई साहब, नीलू के अब्बू की बहुत तबीयत खराब है, आप आज पता नहीं क्या हो गया है, नहीं बेहोश हो गए। अच्छा चलिए हम पहुंच रहे हैं अभी। ठीक है जल्दी से आ जाए नीलू के अब्बू। नीलू के अब्बू सलार अभी सोया है, जब उठेगा तो रिफत भी के हाथ भिजवा दूंगी।
नीलम वो एक्चुअली वो क्या वो लगा के रखा है? जो बोलना है बोलो और जाओ यहाँ से। वो इब्राहिम अंकल की तबीयत बहुत खराब है। नीलम तुम्हारे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। अम्मार और मामू उनको हॉस्पिटल लेके गए। सुन लिया मैंने, तो क्या करूँ? अब इतना गुस्सा करेंगे तो ऐसा ही होगा। तुम्हें जरा परेशानी नहीं हुई? परेशान होकर मुझे क्या मिलेगा? हाँ ट्रीटमेंट तो डॉक्टर ने करना है और वो कर रहे हैं, और दुआओं के लिए अम्मी काफी हैं। क्या हो गया मलिया, ऐसे क्यों देख रही हो? ऐसे देख रही हो जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं हो। भाई मैं ऐसी ही हूं। अब मैं तुम्हारी तरह इमोशनल तो हूं नहीं कि मुसल्ला बिछाकर बैठ जाऊं और दुआएं मांगूं। और वैसे भी अब्बू से मुझे कोई खास प्यार नहीं, तो इसलिए उनके होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम जाओ यहां से प्लीज। और हाँ रिफत भी को बोलना कि मेरे लिए नाश्ता यहीं भिजवाते। अच्छा मूड था, सारे का सारा मूड ऑफ कर दिया। जी डॉक्टर साहब क्या रिपोर्ट है? इनकी रिपोर्ट से लगे इनको टीबी। टीबी? कैसी तबीयत है आपकी? यार कौन लेके आया मुझे? ये सब क्या है? इतनी तबीयत मेरी थोड़ी ना खराब हुई थी सफिया कि तुम मुझे हॉस्पिटल लेके आ गए। आप बेहोश हो गए थे नीलो के अब्बू, और मेरे हाथ पैर फूल गए थे। मैंने भाई साहब और मार को फूल कर दिया, वही लेकर आए। क्या करती हो सफिया, तो खामखा गयूर भाई को परेशान कर दिया। माफी चाहता हूँ। कैसी भैरव वाली बातें कर रहे हैं आप, ऐसे वक्त में तो अपने ही काम आते। क्या कह रहे हैं डॉक्टर गयूर भाई? कुछ नहीं, बस ऐसी वीकनेस है, बताइए जरा सी। अब ये ड्रिप खत्म हो जाएगी तो घर चलेंगे, मैं खुद छोड़ाऊंगा आपको। गयूर भाई आपके चेहरे की परेशानी, आप सफिया से तो ये बात छुपा सकते हैं लेकिन मुझसे नहीं बताया मुझे क्या बीमारी है। डॉक्टर ने टीबी बताई है। ये तो बड़ी खुशी की खबर है मेरे लिए। ये खबर खुशी की कैसे हो सकती है इब्राहिम भाई? जब रूह जो है कयूर भाई जिस्म से निकलने के लिए बेताब होना, तो ये खबर खुशी की खबर होती है। नहीं नहीं, अब ये बीमारी कोई लाइलाज मर्ज नहीं है, सब इलाज हो जाता है और इंशाल्लाह अल्लाह ठीक करेगा, शिफा देगा, परेशान ना हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, बजाय तुम नीलम को तसल्ली देती है दुश्मनी निभा रही हो अपनी उसके साथ। तसल्ली मामू, तसल्ली उसे दी जाती है जो परेशान हो। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा।
चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। यहाँ पे तुम अपने बाप की खैरियत पूछने आई हो या बैठने आई हो? मैं नहीं जा रही अप्पू के पास। मैंने सुना है इस बीमारी के जरासीम लग जाते हैं। अब अप्पू की तो उम्र हो गई है, मुझे तो अभी बहुत जीना है। हर बात मुझे एहसास होता था कि तुमने कहीं ना कहीं इंसानियत बची हुई, लेकिन नहीं, हर बार तुमने मेरे अंदाजे को गलत साबित कर दिया। नीलू, अम्मी अभी तो आपकी गलती है ना कि आप मुझ में वो चीज ढूंढती हैं जो मुझ में है ही नहीं, और मैं सिर्फ अपने लिए जीती और अपनी ही मौत मरूं। अब्बू के हिस्से की मौत मैं क्यों मरूं? खुदा ना करे बैठे बिठाए मुझे बीमारी लग गई। तौबा तौबा, तुम्हें अगर अपनी इतनी परवाह थी तो फिर आई क्यों यहाँ पे? निकलो यहाँ से, चली जाओ अपने घर, जाओ। चली जाऊंगी, लेकिन सुबह अगर अभी गई तो ससुराल वाले क्या बोलेंगे कि मुझे अपने अब्बू का जरा भी ख्याल है। और दुनियावी दिखावा भी तो कोई चीज होता है ना। दुनिया को दिखाने के लिए परवाह कर लो तुम। याद है वो मेरी माइयों की रात, कैसे अब्बू ने आके मुझे यहाँ बोसा दिया था। दुनिया को दिखाने के लिए, बस समझने के, वैसे ही दुनिया को दिखाने के लिए मैं भी यहाँ चाहूँ। मुझ पे गुस्सा करने के बजाय उनके पास जाए, उनको आपकी ज्यादा जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है अब अंकल की? अब काफी बेहतर है पहले से। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, बजाय तुम नीलम को तसल्ली देती है दुश्मनी निभा रही हो अपनी उसके साथ। तसल्ली मामू, तसल्ली उसे दी जाती है जो परेशान है, और नीलम किसी भी तरह परेशान नहीं। तो फिर बेचारी अफसरदा क्यों रहती है वो? हा? अरे अपने बाप की हालत नहीं देखी जाती उससे, इसलिए नहीं जा रही थी। उनकी हालत की वजह से नहीं, अपनी सेहत की वजह से नहीं जा रही, क्योंकि ये सिर्फ अपने बारे में सोचती। तो तुम भी तो यही करती हो ना। अब्बू जी प्लीज, आप मेरी वजह से इसे कुछ मत कहें, इसकी हालत पहले ही ठीक नहीं है। प्लीज नीलम, अपने इस दिखावे की परवाह कम से कम मुझे मत दिखाया करो। देखा अब्बू जी, आप मैं कुछ भी कर लूं लेकिन इसका दिल मेरे लिए साफ नहीं हो सकता। बेटा जिसके दिल में बोझ हो ना उसका कुछ नहीं किया जा सकता, तुम्हें कोई जरूरत नहीं परवाह करने की। लेकिन अब्बू जी कैसे परवाह ना करूं, अमार उसका शौहर है और अगर उसका दिल भी मुझसे बुरा हो गया तो? वो तुम्हारा भी शौहर है। नहीं अब्बू जी, अमार से निकाह करवा कर आप लोगों ने मुझसे मेरा दोस्त भी छीन लिया, मैं बिल्कुल तन्हा हो गई अकेली। जेबो आपने बुलाया? लड्डू
माना कि मैंने शादी दुनिया वालों का मुंह बंद करने के लिए की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी बीवी नहीं है। क्या फायदा उस बेचारी से निकाह करने का? वकार के जाने के बाद वो अकेली थी, अब भी तन्हा। मरिया से तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो उसका दुख बांटेगी या उसे तसल्लियां देगी, लेकिन एक शौहर होने के नाते ना सही, एक दोस्त होने के नाते तुम उसका दुख सुख तो बांट सकते हो। जी अब तो जाओ, फिर उसे कहीं घुमा फिरा कर लेकर आओ, दिल बहल जाएगा उसका। जी अब तो फिर कैसा लगा आज का डिनर तुम्हें? बहुत अच्छा, बहुत अरसे बाद जैसे मैं बहुत खुश हूं, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने अपनी जिंदगी को आज जी लिया है। अम्मार तुम्हारे साथ ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। प्लीज दोबारा बदल मत जाना, मुझे बस सिर्फ तुम चाहिए। हाँ, फिक्र ही ना करें, अनजाने में की गई गलतियां दोबारा से दोहराने की गलती भूल कर भी नहीं होगी मुझसे। माना खुशी तेरी बड़ी है, लेकिन शायद तू भूल रही है, गयूर भाई ने देख लेना तुझे मेरे घर पे, तो तेरी सारी खुशी गारत हो जाएगी। वो लोग अब्बू जी को चेकअप करवाने के लिए लेकर गए हैं, और खाला मैंने कौन सा सारा दिन यहाँ गुजारना है? वो तो मैं इतनी खुश थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ अपनी खुशी शेयर करने आ जाऊँ। अरे अल्लाह कायम दायम रखे तेरी खुशियों को, आमीन। लेकिन अभी मेरी खुशी अधूरी है, पूरी तो तब होगी जब अम्मार सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। देख भाई, दो बीवियों के होते हुए शौहर किसी एक का नहीं होता, लेकिन एक के होते हुए तो एक का हो सकता है ना। बस अब मुझे कुछ भी करके उस मलिया को अम्मार की जिंदगी से किक आउट करना है। अरे वो तो तेरे बाएं हाथ का खेल है, मुझे तेरी कमीनगी पे, मेरा मतलब है तेरी सलाहियतों पे पूरा भरोसा है। अब तो उसकी खैर नहीं, बेचारी पहले शौहर गया हाथ से, अब तेरी वजह से घर भी जाएगा। अच्छा खाला मैं चलती हूँ, अब्बू जी आने वाले हैं। तो बहुत हो रहा होगा ना तुम्हें, और होना भी चाहिए। अब किसी की अरेंज मैरिज हो तो उसे भी अपना शौहर शेयर करने में तकलीफ होती है, फिर तुम्हारी तो लव मैरिज थी ना। मैंने कहा था ना मलिया, मैं जो चाहती हूं वो हासिल कर लेती हूं, आखिरकार अम्मार को हासिल कर लिया ना मैंने। मेरी दुआएं देर से ही सही पर रंग जरूर लाती हैं। तुम्हारे भैया की मौत की दुआ मांगी और देखो उस देव से जान छूट गई।
हो सकता है कि उसकी मौत में कुछ असर मेरे तावीजों का भी हो। ज्यादा इतराओ मत नीलम, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही बल्कि तुम्हारे नसीब की बददुआएं हैं ये सब। नीलम, तुम औरत हो या डायनो, मेरे बच्चे को खा गए तुम। अरे ये मुझे बार बार कहती रही लेकिन मैंने इसका भरोसा नहीं किया, लेकिन तुम पर एतमाद किया और तुमने ये सिला दिया, मेरी औलाद को खा गई तुम। मल्लू अमार को फोन करो, उसे कहो अभी और इसी वक्त इसे तलाक दे। सुना नहीं तुमने? जाओ फोन करके बुलाओ उसे। मैं इसका वजूद एक लम्हे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर ये ना रही तो मैं कुछ कर बैठूंगा। जाओ जाओ। अब मुझे मेरी बात सुने प्लीज, हमारा कुछ मत बताएगा, आपको सलार का वास्ता। अबू जी प्लीज, मैं कहां जाऊंगी? जहन्नम में, वही तुम्हारा ठिकाना है। जाओ। इतना छोटा सा था मेरा बकार, जब उसकी मां चली गई मैंने मां बन के पाला था उसे और तुमने अपनी ख्वाहिश की भेंट चढ़ा दिया। अबू जी प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं इस घर से नहीं जाना चाहती, प्लीज मुझे माफ कर दें। अबू जी आपको सरार का वास्ता, अमारो कुछ मत बताएं। मिलाया फोन? मामू मामू आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, आप फोन मिलाओ तुम अमार को जल्दी। मामू फोन नहीं उठा रहा। अमार का फोन लो। अमार अबू, हेलो हेलो, मामू की तबीयत ठीक नहीं, तो प्लीज जल्दी आ जाओ। पता नहीं शायद हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक? ओह माय गॉड। मलिया तुम एक काम करो, मैं आ रहा हूँ अब्बू के रूम में, उनकी मेडिसिन रखी होंगी, वो उनको तो जल्दी से, मैं एम्बुलेंस को भी भेजता हूँ। तुम जल्दी आओ प्लीज, जाओ जाके पानी लेके आओ जल्दी। क्या है, जल्दी से पानी लेके आओ। जो करना है खुद करो, मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। अरे ऐसा क्या हो गया गयूर भाई को? तेरा चेहरा देख के लग रहा है उनकी हालत तेरी वजह से हुई है। अब ऐसा कौन सा गुल खिला दिया तूने जो उन्हें दिल को ही पकड़ लिया? गुल तो पुराना है, उनके सामने अब खुला है। तूने कुछ कम गुल तो खिलाए नहीं है, अब मुझे क्या पता कौन से वाले की बात कर रही है तू, अब खुद ही बता डाल तू। बकार है ना, मरने के बाद भी आसेब की तरह मेरी जिंदगी से चिमटा हुआ है, मेरी खुशियों का दुश्मन। खाला दुआ करें कि अब्बू जी मर जाएं, वरना उनकी जिंदगी मेरे प्यार की मौत बन जाएगी। अगर उन्होंने अमार के सामने कुछ भी बोल दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे अल्लाह ना करे कुछ खत्म हो। दुआ करें कि हॉस्पिटल जाने से पहले ही रास्ते में उनकी डेथ हो जाए, ताकि कुछ कहने सुनने की मोहलत ही ना मिले। ऐसे क्या देख रही है? कुछ नहीं, वो ऐसे ही। एक बात तो बता मुझे, तू पूछे क्या, तुझे जरा बराबर भी दुख नहीं होगा गयूर भाई की मौत का? आज से पहले उनका होना ना होना मेरे लिए बराबर था, और इस कंडीशन में तो उनका ना होना ही ठीक है। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा।